पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल सितंबर में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस ने सीएम के लिए वोटिंग कराई थी, जिसमें 79 विधायकों में से 42 उनके हक में थे, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी का सिर्फ 2 विधायकों ने समर्थन किया था। इसके बावजूद वे सीएम बन गए। सुनील जाखड़ ने पहली बार ये बात चुनाव प्रचार के दौरान कही। जाखड़ ने कहा कि उनके अलावा वोटिंग में 16 विधायकों ने सुखजिंदर रंधावा, 12 विधायकों ने कैप्टन की पत्नी परनीत कौर का नाम लिया था और नवजोत सिंह सिद्धू के हक में सिर्फ 6 विधायकों ने वोट दिया था। जाखड़ ने कहा है कि सीएम ना बन पाने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर किया था। हालांकि जाखड़ ने कांग्रेस विधायकों और हाईकमान का धन्यवाद भी किया। पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस घोषित करने से पहले जाखड़ के इस बयान ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले सुखजिंदर रंधावा भी उन्हें सीएम बनाने के लिए हां होने की बात कबूल चुके हैं। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 40 ਨਹੀਂ 42 MLA ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 42 ਵੋਟਾਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, 16 ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, 12 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ नवजोत सिंह सिद्धू, 2 वोटां पईआं चन्नी। देखो देखो मैं मेरा एक ही गिला सीगा जो तो मैं बुला के उन्होंने राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तैनू डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं। मैं कहने वहीं इसी खबर पर जानकारी देने के लिए वरुण गोयल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, चुनावों से पहले इस तरह का इतना बड़ा बयान सामने आना सुनील जाखड़ का, कहीं ना कहीं ये वीडियो सामने आ चुकी है, ये दावा सुनील जाखड़ कर रहे हैं और ये बड़ा खुलासा सुनील जाखड़ की तरफ से किया गया है और साफ नजर आ रहा है सुनील जाखड़ नाराज है इस वीडियो में। देखिए, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान हैं सुनील जाखड़ और इस वक्त कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं पंजाब में। उनका ये दावा बहुत बड़ा है और ये जो दावा है इसमें बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और क्योंकि 78 विधायकों ने वोटिंग की थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोटिंग नहीं की थी जैसा कि वो बता रहे हैं, तो उनका ये कहना कि जब सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था तो 42 उनके हक में थे और 2 जो थे उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के हक में बात की थी और उसके बाद वो सीएम बन गए। हालांकि जाखड़ ने ये बात पहली बार कही है, एक्चुअली वो एक कांग्रेस कैंडिडेट के प्रचार के लिए आए थे तब उन्होंने ये बात कही, जिसमें उन्होंने बताया कि 16 विधायकों ने सुखजिंदर रंधावा, 12 विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू के हक में, महज चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम उनके हक में 2 वोट हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर हुआ था और हालांकि उन्होंने धन्यवाद दिया कि उनका नाम लिया गया, लेकिन ये बात हम सबको मालूम है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था तो सबसे आगे जो नाम चल रहा था वो सुनील जाखड़ का नाम चल रहा था। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी ये बात कही थी कि मुझे सीएम बनाने के लिए हाँ हो गई थी, यानी वो ये वाली बात कह रहे हैं। इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि जो नाम सामने आ रहा है कि परनीत कौर के नाम का जिक्र पहली बार हुआ है कि वो सीएम बनने की रेस में थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब ये बात हो रही थी कि सुनील जाखड़ सीएम बन सकते हैं, सितंबर में बात हो रही थी तब और उन्हें बेंगलोर से बुलाया गया था, तब आखिरी वक्त में ये बात हो गई थी कि पंजाब एक सिख बहुल स्टेट है और यहाँ पर सिख सीएम ही होना चाहिए, इस तरह की बातें थी, तब सुनील जाखड़ का नाम शायद उस रेस से हट गया था। लेकिन 42 लोग 78 में से उनके हक में थे, ये बड़ी बात उन्होंने कर दी है और जाहिर सी बात है इस पर राजनीति बहुत गर्माने वाली है। एक बड़ा दावा पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान ने कर दिया है। बिल्कुल वरुण, और 20 दिन पहले इस तरह का दावा करना, चुनावों से ठीक 20 दिन पहले इतना बड़ा खुलासा करना सुनील जाखड़ की तरफ से, कहीं ना कहीं क्या लगता है कांग्रेस की छवि को भी आगे खराब कर सकता है? देखिए, कुल मिलाकर एक बात ये रहेगी कि पार्टी के अंदर पहले ही बहुत सारी इनफाइटिंग की खबरें रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसमें अब इस बात की चर्चा हो सकती है कि ज्यादातर विधायक जिस व्यक्ति के पक्ष में थे वो व्यक्ति सीएम क्यों नहीं बन पाया। और जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन है, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो भी बहुत सारे सवाल अब रेज करने वाली है, बहुत सारी बातें उठाने वाली है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और जिन नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की चर्चा है, अगर इस दावे पर यकीन करें
तो उन्हें 78 में से महज 6 विधायकों का समर्थन था। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट सामने आ गई है और वो एक आप जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो ये बात बता रहे हैं, इस पर अब दिन भर राजनीति होना तय है। शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, उन्होंने फिलहाल इस वीडियो में साफ तौर पर कहा है कि कैप्टन के हटने पर सीएम के लिए वोटिंग हुई, दूसरे नंबर पर उनको सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी जो सीएम है वो चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया। उन्होंने कहा कि मेरे हक में 42 विधायक खड़े थे, 42 वोट उन्हें मिले और चन्नी को सिर्फ 2 वोट मिले, लेकिन फिर भी जो पंजाब का सीएम है वो चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया।